आप सब? राधे राधे। आज हम बनाएंगे बनारस का स्पेशल चूड़ा मटर। मतलब चूड़ा मतलब पोहा होता है चिवड़ा, जिसको मटर के साथ बनाया जाता है स्पेशली बनारस में। और इसमें हल्दी वगैरह नहीं डाली जाती, एकदम वाइट होता है ये। तो आज हम वही बनाएंगे। ये मैंने 3/4 कप पोहा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर और फूलने के लिए छोड़ दिया है। आधा कप मटर है, 1 छोटी चम्मच काजू, 1 छोटी चम्मच किशमिश, ये थोड़ी सी हरी मिर्ची, और ये थोड़ी सी कद्दूकस अदरक, और ये 2 बड़े चम्मच हरा धनिया है कटा हुआ, धो के बारीक काट लिया मैंने इसे। अब मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने रख दिया है, जिसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच राई और 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालूंगी। इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे। कद्दूकस की हुई अदरक, ये हरी मिर्ची। अब ये जो मटर है इसको डाल देंगे, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और नमक डाल देंगे हम, नमक के साथ ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसको ढक दें। मैं तो मटर उछट के बाहर निकलती है ना, इसलिए अब इसको थोड़ी देर हम धीमी आंच पर पकने देंगे। हम देखते हैं हमारी मटर गल गई है क्या, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ये काजू और ये किशमिश भी डाल देंगे और थोड़ा सा इनको रोस्ट करेंगे। इसमें ये 4-5 कुटी हुई काली मिर्च, डाल के मिक्स करेंगे। ये पोहे में हरा धनिया मिक्स कर देते हैं। हमारा पोहा भी इसमें डाल देंगे। और 1 छोटी चम्मच चीनी डाल देंगे हम इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, जैसे नॉर्मल पोहा बनाते हैं हम वैसे ही। ये तैयार है हमारा स्पेशल पूर्वांचल का बनारस का स्पेशल चूड़ा मटर। बस ये देखिए, गैस बंद कर देती हूँ मैं। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अरे 1 छोटी चम्मच हमने नींबू का रस डाल दिया इसमें, इसको मिक्स करेंगे। ये तैयार है हमारा चूड़ा मटर, सर्व करते हैं इसको। तैयार है हमारा स्पेशल चूड़ा मटर, आप इसको बनाइए, गर्मा गर्म खाइए चाय के साथ। और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।